हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ IPL 2021 के दोस्तों जो है 13th मैच की मैच प्रेडिक्शन। और जो 13th मुकाबला है ये खेला जाएगा दोस्तों मुंबई इंडियंस बनाम दिल्ली कैपिटल्स के बीच। अगर आपको याद हो पिछले साल इन्हीं दोनों टीमों के बीच जो है दोस्तों फाइनल मुकाबला हुआ था और मुंबई ने बहुत बुरी तरीके से पीटा था दिल्ली कैपिटल्स को। तो ये जो मुकाबला है दोस्तों खेला जाएगा 20 अप्रैल की शाम को दोस्तों 7:30 बजे, और ये मुकाबला होगा चेन्नई के MH चिदम्बरम क्रिकेट स्टेडियम में। तो मैच में जाने से पहले अगर मैं दोनों टीमों के प्लेयरों पर नजर डालूँ तो दिल्ली कैपिटल्स के पास जो प्लेयर हैं वह है पृथ्वी शॉ, शिखर धवन, जिन्होंने पिछले मैच में शानदार पारी खेली दोस्तों। और फिर उनके पास ललित यादव, स्टीवन स्मिथ, जो कि मुझे नहीं लगता कि किसी काम के हैं, जिनके रहाणे ये भी T20 में किसी काम के नहीं है दोस्तों। और मार्कस स्टोइनिस, सिमरन हेटमायर जैसे प्लेयर हैं। वहीं अगर दोस्तों मैं मुंबई इंडियंस की बल्लेबाजी पर डालूँ तो उनके पास क्विंटन डीकॉक, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, कैरन पोलार्ड जैसे प्लेयर हैं दोस्तों, ईशान किशन जैसे प्लेयर हैं। और मुझे लगता है ईशान किशन, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या इस बार बल्लेबाजी में बहुत अच्छा करेंगे, क्योंकि बहुत 3 मैचों से लगातार फ्लॉप हो रहे हैं। तो अगर मैं पल्ला भारी की बात करूँ तो बल्लेबाजी में तो मुझे मुंबई इंडियंस का पल्ला भारी लग रहा है बिना किसी शक के। अब आइए दोस्तों दोनों टीमों की गेंदबाजी पर डालते। तो सबसे पहले अगर मैं दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजी पर डालूँ तो उनके पास कंगीसो रबाडा, रविचंद्रन अश्विन, आवेश खान से मैं बहुत प्रभावित हूँ, वो लड़के बहुत दम लगा के गेंदबाजी कर रहा है। क्रिस वोक्स जैसे गेंदबाज है दोस्तों। वह अगर मैं मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी पर डालूँ तो उनके पास जसप्रीत बुमराह, राहुल चहर, ट्रेंट बोल्ट, एडम मिल्ले जैसे गेंदबाज है दोस्तों, और कुणाल पांड्या जैसे गेंदबाज है। तो पल्ला भारी की बात करूँ तो बल्लेबाजी और गेंदबाजी, मेरा पर्सनल मानना है कि दोनों में ही मुंबई इंडियंस का पल्ला भारी है। और दोस्तों ये चेन्नई की पिच का मैं आपको बता दूँ कि टॉस जीत के जो टीम पहले बैटिंग करेगी उसके जीतने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, चेज़ यहाँ पर बहुत कम होता है। और मेरे हिसाब से जो चेज़ है एक बेंगलोर की टीम ने किया है यहाँ पर पहला ही मैच, और दूसरा मैच मुझे लगता है मुंबई इंडियंस ही चेज़ कर पाएगी यहाँ पर, और कोई दूसरी टीम मुझे लगती नहीं है जो चेज़ कर पाए। और अगर चेन्नई खेल रही होती तो वो चेज़ कर लेती, लेकिन IPL के फॉर्मेट के हिसाब से चेन्नई तो चेन्नई में कभी खेल नहीं पाएगी इस बार। तो दोस्तों अगर मैं इनके हेड टू हेड आंकड़ों की बात करूं और पिछले 5 मुकाबलों में किसका पल्ला भारी रहा है वो देखूं दोस्तों, तो इनके जो हेड टू हेड मुकाबले हैं उसमें से 28 टोटल मुकाबले हुए हैं, 16 जीते हैं MI ने और दिल्ली कैपिटल्स ने जीते हैं 12। और 2020 में अबू धाबी में मुकाबला हुआ था, वो जीता था MI ने 5 विकेट से। क्लिंटन डीकॉक ने 36 गेंद में 53 रन बनाए थे। फिर दोस्तों दुबई में मुकाबला हुआ था, वो जीता था MI ने 9 विकेट से। ईशान किशन ने 47 बॉल में 72 रन बनाए थे। फिर तीसरा मुकाबला हुआ था 2020 में ही दुबई में, MI ने 57 रन से मुकाबला जीता था। जसप्रीत बुमराह ने 14 रन देके 4 विकेट लिए थे। फिर दोस्तों चौथा मुकाबला हुआ था, वो 5 विकेट से जीता था MI ने। ट्रेंट बोल्ट ने 20 रन देके 3 विकेट लिए थे और मैन ऑफ द मैच रहे थे दोस्तों। 2019 में मुंबई में हराया था दिल्ली कैपिटल्स में, जिसमें कि ऋषभ पंत ने बहुत धुलाई की थी। तो पिछले 5 मुकाबले जो हुए हैं दोनों टीमों के बीच उसमें भी मुंबई इंडियंस का पल्ला भारी है, 4-1 से मुंबई इंडियंस आगे है। तो दोस्तों ये तो था इनका हेड टू हेड आंकड़ों की बात। और साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको अपने अपने स्क्रीन पर सुमित राज मुंबई का व्हाट्सअप नंबर दिख रहा होगा, आप इनसे मैसेज करके रिपोर्ट ले सकते हैं। अगर आपको टॉस मैच सेशन की एक्यूरेट प्रेडिक्शन चाहिए तो नंबर दोस्तों है आपको वीडियो के स्क्रीन पर दिख रहा होगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको नंबर मिल जाएगा दोस्तों सुमित राज मुंबई का, आप उनसे मैसेज करके रिपोर्ट ले सकते हैं। साथ ही साथ दोस्तों आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल का स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, तो फटाफट मेरे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन हो जाएं। आप मुझे टेलीग्राम पे सॉल्यूशन अप के नाम पे भी सर्च करके ज्वाइन हो सकते हैं, और मेरे टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है दोस्तों आपको इस वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा, तो ज्वाइन हो जाइएगा। क्योंकि दोस्तों कई बार टॉस के बाद कोई भी मैच में अपडेट होता है या कुछ चेंजेस होते हैं तो दोस्तों मैं आपको जो है टेलीग्राम पे दे देता हूँ, तो फटाफट। और टेलीग्राम में मैं आपको लाइव मैच में अपडेट भी करता रहता हूँ दोस्तों, क्या करना है क्या नहीं करना, तो फटाफट टेलीग्राम में ज्वाइन हो जाए। जो भी ये वीडियो देखे उनका टेलीग्राम में ज्वाइन होना मस्ट है। तो दोस्तों सब आंकड़े देखकर मुझे लगता है कि ये मुकाबला जो है मुंबई इंडियंस जीतेगी। उसके कारण ये है कि हेड टू हेड में भी मुंबई इंडियंस भारी ही पड़ी है, मुंबई इंडियंस अभी भी फॉर्म में है। और सबसे बड़ी बात कि दिल्ली कैपिटल्स अपने मैचेस वानखेड़े में खेलते आई है और चेन्नई में मुंबई खेलते हुए आ रही है, तो पिच का फ़ायदा भी मुंबई को ही ज़्यादा होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने ज़्यादा मैचेस खेले हैं और अभी अडेप्ट करने में टाइम लगेगा दिल्ली कैपिटल्स को।
तो दोस्तों मेरे हिसाब से मुकाबला है मुंबई इंडियंस जीतेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। ओके गाइस, टिल द नेक्स्ट वीडियो, एंजॉय लाइफ।